ने बिहार के काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने घोषणा आसनसोल सीट पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के बाद आया है। सवाल है कि पवन सिंह काराकाट में किसका खेल खराब करेंगे। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार के काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इस बात की घोषणा कर दी। पवन सिंह ने लिखा है, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती हैं, और मैं अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। पवन सिंह ने काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान बीजेपी की 10वीं लिस्ट सामने आने के बाद की, जिस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी ने एसएस अहलूवालिया के नाम का ऐलान किया है। आपको बताएं कि बीजेपी ने पहले आसनसोल सीट पर पवन सिंह को ही उम्मीदवार बनाया था, लेकिन किसी कारणवश पवन सिंह ने आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। कयासबाजी ये थी कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सवाल है कि आरा के रहने वाले हैं और आरा से ही टिकट चाहने वाले पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? तो इसको समझने के लिए राजनीतिक हालात और काराकाट सीट पर वोटों के समीकरण को समझना जरूरी है। एक तो काराकाट आरा से बिल्कुल सटा है, दूसरा काराकाट सीट पर वोटों का सामाजिक समीकरण पवन सिंह को सूट करता है, क्योंकि काराकाट में सबसे ज्यादा कुशवाहा जाति के वोटर हैं, दूसरे नंबर पर यादव जाति के वोटर हैं, तीसरे नंबर पर राजपूत वोटर हैं। काराकाट सीट एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और इंडिया अलायंस में सीपीआईएमएल के पास है। यहां मुख्य मुकाबला आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआईएमएल के राजा राम सिंह के बीच है। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद काराकाट की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि एनडीए और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार कुशवाहा जाति के हैं। उपेंद्र कुशवाहा का संबंध कुशवाहा समाज से है और राजा राम सिंह भी कुशवाहा जाति से आते हैं, मतलब इन दोनों के बीच लवकुश वोटों का बंटवारा संभव है, जबकि अब तक इस सीट पर ना तो कोई मजबूत राजपूत कैंडिडेट है और ना ही यादव। खुद पवन सिंह की फैन फॉलोइंग भोजपुरी बेल्ट के युवाओं में बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि सीधे सीधे बीजेपी और आरजेडी से टकराने के बजाय पवन सिंह ने काराकाट का चुनाव किया। लेकिन जनता का आशीर्वाद कितना मिल पाता है, ये 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।